पहले चरण का चुनाव हो गया है, दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पे है और इसके लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। आज हम उनके साथ रहकर जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मसलों को उठाते हैं, जनता में उसका रिस्पॉन्स किस प्रकार का होता है, जिससे कि एनडीए की जो चुनावी सफलता है वो अच्छी मिल सके, क्या उन मुद्दों का ट्रैक्शन है जनता के बीच में, इन सारे मसलों को जानेंगे। गोपालगंज की बात कर लें, यूपी से सटा हुआ इलाका है, मुख्यतः कृषक क्षेत्र है, ये बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है, ऐसे में देखना, और लालू प्रसाद यादव का गृह जिला भी है ये, ऐसे में देखना होगा कि गोपालगंज इस बार क्या कुछ संदेश देता है। फिलहाल तो राजनाथ सिंह यहाँ के लोगों को संबोधित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्रिकेट में सचिन और सहवाग की जोड़ी है बीजेपी और जेडीयू की। गठबंधन को आना चाहिए और इसी के पक्ष में लग रहा है, मुद्दा तो देखिए विकास का मुद्दा जो है, जब तक मोदी जी रहे आज जितने दिन से तो विकास तो हुआ ही है, लेकिन जो स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है उसको सुधारने में तो कुछ टाइम लगेगा। लालू जी के द्वारा भी उपेक्षित जिला रहा हमारा, अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ, जो आम गरीब से लेकर सबके लिए बहुत अच्छा रहा, और लालू जी के शासन काल में यहाँ कुछ भी नहीं, ब्रॉडगेजिंग वगैरह जो भी हुआ है एनडीए के कार्यकाल में हुआ, काफ़ी लाभपूर्ण जो योजनाएँ रही है। जो 15 साल पहले का जो शासन था वो कहीं के लिए ठीक नहीं था, किसी के लिए भी ठीक नहीं था उस समय भी, आज भी युवा जो है उसी तरह से सोचता है जो पहले सोचता था, लेकिन उस समय जितनी भी नौकरियां आती थी, पहले तो आती नहीं थी, और जो नौकरियां आती थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी। कम से कम इस सुशासन की सरकार में इस चीज़ के पे लगाम लगा और युवाओं को विश्वास है। क्या कह रहे हैं युवा? डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट, यहाँ कुछ भी नहीं था। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई और बैकुंठपुर की बात करें तो इतना काम हुआ यहाँ कि आप सोच रहे, रिवर फ्रंट जो कि ग्राम पंचायत में पूरे इंडिया में नहीं बना वो बन रहा है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, एएनएम कॉलेज, कई सारे हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, रोड का 274 रोड 3 साल में, मतलब बहुत बड़ा। इसको लेके हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है और आगे डेवलपमेंट की सरकार बनाएंगे। सर मात्र 90,000 15 साल में लालू जी ने नौकरी दिया, वो भी 10 साल झारखंड के साथ रहा, जिसमें 40% कर्मचारी वहाँ चले गए। तो ये जब 90,000 15 साल में दिए तो ये सरकारी नौकरी कहाँ से
इतना देंगे 10 लाख। और यहाँ तक गृह जिला की सवाल है तो उन्होंने कुछ लोगों को नौकरी के नाम पर जमीन लिखा लिया घर अपने घर के पास, घर ले लिया, यहाँ टिकट देने के लिए घर लिया, नौकरी के नाम पर जमीन लिया, यहाँ गृह जिला में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरे गोपालगंज में विकास बाद ही जीतेगा। नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार रहेगा, नीतीश कुमार जी का जलवा बरकरार रहेगा, और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी की साझा जो सरकार है वो करामा दिखाएगी और भारी बहुमतों से अपना सरकार बनाया था। गोपालगंज में सरकार ने बहुत कुछ किया, सरकार ने क्या नहीं किया, सरकार ने घर घर जाकर के लोगों को जितना भी योजना के तहत सामान आया था उसको पहुंचाया। स्थानीय लेवल पर विधायक लोगों ने सबके घर चिवड़ा, मीठा, पानी, बिस्किट, जो जो सामग्रियां थी एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया। सारण जिले के बनियापुर सीट पर गोपालगंज के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं सारण जिले में चुनाव प्रचार के लिए। सारण की बात कर लें तो सारण जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं, महाराजगंज और छपरा ये दो लोकसभा की सीटें हैं और उनमें से सारण जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। सारण की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूड़ी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, और महाराजगंज की भी बात कर लें तो वहाँ पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। कास्ट के लिहाज से अगर बात करें तो यादव, ठाकुर और अति पिछड़ा, इन वोटों का बहुत ज़्यादा दखल रहता है सारण में और उस लिहाज से दोनों ही खेमा अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल सारण में पहुंचे हैं चुनाव प्रचार में। बैकुंठपुर गोपालगंज के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं सारण के बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कि NDA के बैनर के तहत VIP यानी कि विकासशील इंसाफ पार्टी के कैंडिडेट चुनाव में लड़ रहे हैं वहां पर उनके प्रचार के लिए। और इस पूरे इलाके की बात करें तो सारण जिले में अति पिछड़े वोट के अंतर्गत निषाद वोटर्स की अच्छी खासी संख्या मानी जाती है और उस लिहाज से बीजेपी ने VIP के साथ जो गठबंधन किया है पार्टी को ये उम्मीद है चाहे छपरा हो, मुजफ्फरपुर हो, मोतिहारी हो, इस सारे इलाके में जो कि केवट बीजी ने कहा जाता है उस समुदाय को एक अच्छा मैसेज दे पाएगी VIP के सारे। फिलहाल राजनाथ सिंह यहाँ पर बनियापुर में लोगों को संबोधित करते हुए और उनके भाषण, राजनाथ सिंह के भाषण को अगर देखें तो एक तरफ बिहार सरकार के विकास कार्यों का लिखा जोखा देते हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय मत के मसलों को भी जोर शोर से मंच पर रखते हैं। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सीमाएं उसको भी समझने की कोशिश करें। 10 साल वह तब मुख्यमंत्री थे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, जो सहायता चाहिए थी बिहार राज्य के विकास के लिए बिहार की सरकार को मिलनी चाहिए थी, कांग्रेस सरकार भेदभाव करती थी नहीं देती। जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद, भले ही उस समय राजद और जनता दल यू की सरकार यहां क्यों नहीं थी, हमारे प्रधानमंत्री ने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है बहनों भाइयों,
क्योंकि हम लोगों का मानना है जब कि हिंदुस्तान के हर राज्य का विकास नहीं होगा तब तक भारत के विकास का भी हमारा स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। इस समय चुनाव का मुद्दा वही है, जो विकास कर रहा है उसी का सब लोग वोट दे रहा है। विकास जो इतने पहले जो इसके पहले जो लोग किया है उससे तो हम लोगों को यही लग रहा है कि हम लोगों के जो अभी विधायक हैं अभी होने जा रहे हैं वो अच्छा काम करेंगे। उन्हीं के साथ में सारे जनार्दन जनता जनार्दन हैं लगे हुए हैं। बूढ़ा और नौजवान से मतलब नहीं है, बिहार की जनता को सिर्फ विकास से मतलब है। हर क्षेत्र में विकास हो कोई बूढ़े और नौजवान से मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख का नौकरी देंगे, जो खुद सातवां पास है वो ग्रेजुएशन क्या नौकरी दे सकता है? वो लवारी कर रहा है, जो भी कर रहा है लवारी कर रहा है। उसका गार्जियन क्या करके यहाँ गया है वो हम लोग को समझाने, हम लोग का समय खा गया है। नया समय जितना ही लड़का सब है उसके लिए झूठ मूठ के कह रहा है कि 10 लाख का नौकरी, 10 लाख का नौकरी वो कहाँ से देगा? उसके पास पावर है, आज तक कुछ किया है? वो अपने जब उस रिजिम में मैट्रिक पास नहीं किया तो 10 लाख का नौकरी कहाँ से देगा? 16 साल उनके माता पिता राज किए तो शिक्षा के सर्टिफिकेट सरा दिए, यह हम जानते हैं उनके बारे में, दूसरा नहीं है। सारण का जो स्थिति है हर जगह एनडीए की लहर है, क्योंकि ये मोदी जी को लोग जो है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी पे सबों को विश्वास है। जहां मोदी बोलेंगे जहां बोलेंगे हम लोग वोट वहीं देंगे। कौन सरकार मोदी के बिहार की धरती पर आकर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, भारत और चीन के बीच जो भी बात चल रहा है, बहनों भाइयों गलवान घाटी में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए बलिदान यदि किसी ने दिया है तो बिहार रेजिमेंट के हमारे बहादुर जवान। जनता को गुमराह करके हम नहीं रखना चाहते। कूटनीति कुछ मर्यादाएं होती हैं, खुल कर नहीं बोल सकता बहने भाइयों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे बहादुर सेना के जवानों ने इस शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। जो भारत में कभी नहीं हुआ था वह करिश्माई काम हमारी सेना ने किया। जब होता है देश के स्वाभिमान का सवाल, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सवाल, एक कांग्रेस के नौजवान नेता राहुल गांधी जब होता है अनाप शनाप बोलते रहते हैं। 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान जब मारे गए कश्मीर में, बहनों भाइयों उस दिन भारत का गृह मंत्री मैं था, वह दिन मैं भूल नहीं सकता। उन बलिदानी जवानों के शव को मैंने अपने कंधे पर लेकर आ गया। उस समय भी इन्होंने कहा आगामी चुनाव आने वाला है इसलिए हो गया, ये हमारे प्रधानमंत्री की नियत पर सवालिया निशान लगाया जा रहा। लेकिन परसों आपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पाकिस्तान सरकार का ही मंत्री खड़े होकर कह रहा था कि उन 40 सीआरपीएफ को जवानों को मारने का काम यदि किसी ने किया है तो पाकिस्तान की योजना से आतंकवादियों ने किया है। तो क्या होती है, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, देश आपसे जानना चाहता है उस समय जो आपने कहा था वह सच था कि गलत? आप चुप्पी साध कर क्यों बैठे बताइए, उस समय जो आपने कहा था गलत कहा था कि सही कहा? हिम्मत है तो कहो सही कहा। राजनीति राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम पर नहीं होनी चाहिए, तमाशा कर दिया है। फैसला आपके हाथों में, और बहनों भाइयों समाज में जाति पंथ मजहब इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर राजनीति यदि कोई करता है तो हम लोग करते हैं।
इंतजामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की बात लगी हुई हो वो कोई नहीं कह सकता। गोपालगंज और सारण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं पटना जिले के बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर, और बीच में एक रैली से दूसरी रैली पर जाने के बीच उन्हें थोड़ा सा समय मिलता है हेलीकॉप्टर के अंदर। वहां पर वो अगले विधानसभा क्षेत्र के मसलों के बारे में जानते हैं, उम्मीदवारों के बारे में जानते हैं कि वहां पर लोग किस चीज को लेकर सुनना चाहते हैं उनसे, और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। पूरे राजनाथ सिंह के स्पीच की बात करें तो राष्ट्रीय मसले पर बोलते हैं, आरजेडी के सरकार के दौर में राज्य की क्या हालत थी उसके बारे में बात करते हैं, और ये बताते हैं कि नीतीश कुमार कैसे बेहतर काम कर रहे हैं और कैसे नीतीश कुमार को यूपीए सरकार के दरमियान केंद्र सरकार से सपोर्ट नहीं मिला था, और अब अगर नीतीश कुमार जीत कर आते हैं तो वो सपोर्ट इन्हें मिलेगा। राम मंदिर का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो, इन सारी चीजों के साथ वो वोटर को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उन्हें एनडीए को वोट करना चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, बख्तियारपुर।